हेलो एवरीवन, गणपति आगमन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गणेश जी हमारे घर आए और हम मोदक ना बनाएं, उनके फेवरेट, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जी हाँ, इस वीडियो में मैं आज आपके लिए बेसन के मोदक बनाऊंगी जो कि हम गणेश जी को चढ़ाने वाले हैं। मेरे घर तो गणेश जी आ गए, आप लोग लेकर आए हैं या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम मोदक बनाएंगे आज उनके लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें करीब एक स्पून घी ऐड किया हुआ है और घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे एंड इसके बाद हम इसमें करीब एक कटोरी बेसन ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें बेसन को अच्छी तरीके से भूनना है, जैसे हम बेसन के लड्डू बनाते हैं उसके लिए बेसन भूनते हैं, कुछ उसी तरीके से हमें यहाँ पर बेसन को भून लेना है। तो यहाँ पर हमें बेसन भूनने में करीब 7 से 8 मिनट लगेंगे और जब बेसन अच्छी तरीके से भून जाएगा तो इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। जब इस स्टेज पर बेसन आ जाए तो इट मीन्स बेसन आपका अच्छी तरीके से भून गया है। तो चलिए बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी जान लेते हैं कि हमें मोदक बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत होगी। अब हम इससे क्या बनाएंगे आयु? हम लोग बनाएंगे गणेश जी के लिए मोदक। तो गाइज, इंग्रेडिएंट्स तो आपको पता लग ही गए। अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ भुने हुए बेसन में मिल्क। जी हाँ, हम इसे मिल्क से ही बाइंड करेंगे। यहाँ पर मिल्क डालने से मोदक का टेस्ट अच्छा होगा और जब ये मिल्क से बाइंड होंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो है मावे के जैसा टेस्ट आएगा। तो आप इसे मिल्क से ही यहाँ पर बाइंड करें। इसके साथ ही आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही अपनी आवश्यकता अनुसार ही दूध को डालें, क्योंकि ज्यादा दूध डालेंगे तो बहुत लिक्विड हो जाएगा, वैसा हमें नहीं करना है। इसकी कंसिस्टेंसी जो हमें रखनी है वो थोड़ी सी थिक सी ही रखनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। एंड मैं यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ ऐड कर रही हूँ, मैंने गुड़ को पहले से भिगाया हुआ था। आप सिर्फ शक्कर या सिर्फ गुड़ का भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर दोनों ही चीजों का यूज करूंगी। तो इट इज अप टू यू, आप जैसे भी इसे बनाना चाहें। जब ये सारी चीजें अच्छे से बाइंड हो जाएंगी, हम इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर से इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा और एनहांस हो जाएगा एंड थोड़ा सा मिल्क और ऐड करते हुए इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो मिल्क बहुत ज्यादा ना डालें, आप पतला ना करें, इसको उसी तरीके से रखें। और यहाँ पर मैं शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उतना ही शक्कर ऐड करें और इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से हम एक बार बाइंड कर लेंगे। गाइज, इस सारे प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि आपको गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है, बिल्कुल भी ये जलने जैसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी जला तो इसमें जलने की स्मेल आने लगेगी। अगर बेसन ज्यादा चिपक रहा है तो आप 1 चम्मच घी ऐड कर लीजिए एंड सारा बेसन अच्छी तरीके से आपकी कढ़ाई से अलग हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर आपको बेसन की जैसी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है कुछ ऐसा ही रखना है आपको, जिससे आपके मोदक अच्छे बने। चलिए अब मोदक बनाने की प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर था वो अच्छे से ठंडा हो गया है, इसे हाथों की हेल्प से अच्छी तरीके से थोड़ा सा 1-2 मिनट तक मसल लेंगे। आप चाहें तो हाथों में थोड़ा सा घी भी स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा चिकनाहट आएगी और आप इसे अच्छे से मसल पाएंगे। तो कुछ 1 से 2 मिनट में आपको कुछ इस तरीके का बैटर मिल जाएगा, जिससे आपके मोदक बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनने वाले हैं। अब मैं बनाऊंगी मोदक, तो यहाँ पर मैंने थोड़े से कुछ ड्राई फ्रूट्स को भी कट कर लिया है एंड घी ले लिया है। यहाँ पर मेरे पास एक मोदक का मोल्ड है, उससे हम मोदक बनाएंगे। तो मोल्ड को मैं पहले ग्रीस कर रही हूँ थोड़ा सा घी से, ताकि हमारा जो बैटर है वो बोल के ऊपर चिपके नहीं। तो इस तरीके से आपको ग्रीस कर लेना है एंड छोटे छोटे पेड़े ले लेने हैं बैटर से, या फिर जैसे भी आप मोदक बनाना पसंद करते हैं वैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मोल्ड के सहायता से बना रही हूँ, तो इस तरीके से मोल्ड में ये बैटर हम रख देंगे थोड़ा सा ज्यादा सा ही, ताकि दोनों साइड पे अच्छे से आ जाए। और कुछ इस तरीके से हम प्रेस करते हुए बनाएंगे मोदक। अब इसके बाद, क्योंकि हमें इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा होल करूंगी एक्स्ट्रा, जो भी बैटर है उसको निकाल करके एंड यहाँ पर थोड़ा सा होल करके इसके अंदर हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एक क्रिस्पीनेस इसमें ऐड हो जाती है, तो ये आप जरूर से करें, या फिर आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते। अब आप इसके एंड पार्ट को एक बार और सिक्योर कर दीजिए थोड़े से बैटर से एंड यहाँ पर आपका मोदक बनकर के रेडी हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर सा शेप आया है इसका।
एंड बाकी सारे मोदक को भी हमने इसी तरीके से रेडी कर लिया है और आज हम लगाएंगे अपने गणपति जी को इनका भोग। तो आप भी जल्दी से बनाइए और अपने गणपति जी को भोग लगाइए, सबको प्रसाद खिलाइए एंड मुझे भी कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें खाइए, खिलाइए एंड गणपति बप्पा मोरिया।